पता नहीं क्यों बाइक में इस जगह पर लो बैटरी का सिग्नल देना शुरू कर दिया बाइक ने, और हम काफी नीचे आ गए। उसके बाद ये हाइट है। यार अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8:21। यहाँ का टेम्परेचर अभी है कुछ 10 से 11 डिग्री और जो ठंडी हवाएं चल रही हैं पूछिए मत। यहाँ मैं अपना बाइक वार्म अप कर रहा हूँ। आज हम जाने वाले हैं अंबिकापुर। वो क्यों वो मैं आपको राइड करते समय बताऊँगा। तो फ्रेश एंड फुल चार्ज के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। व्हाट्सअप फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए फ्रेश ब्लॉग में। जैसा कि मैंने आपको बताया आज हम जाने वाले हैं अंबिकापुर की तरफ। पैकिंग मेरी सारी हो चुकी है, बस अभी जैकेट पहनना है, बूट्स पहनना है और यहाँ से निकल जाना है। तो आपसे मिलते हैं चलिए रेडी होने के बाद। तो भाई साहब हम हो गए हैं रेडी, बैग हमने कर लिया है, माउंट मैप हो गया है सेट। वैसे प्लान तो अभी थोड़ा सा कुछ और मैंने बनाया हुआ था, चलिए आपको चलते चलते बताते हैं। जैसा कि आपने देखा था इंजन वार्म अप तो मैंने सुबह ही कर लिया था। तो यार जो छोटा सा प्लान था मेरा वो ये था कि कल मुझसे हो गई थी छोटी सी गलती। वो गलती ये थी कि जब मैं फिश पॉइंट गया था, क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं और मैं किसी से पूछ नहीं पाया, बट वो गलत स्पॉट था जहाँ तक मैं गया था। एक्चुअल स्पॉट जो है उसे थोड़ा आगे है। तो ऑल दो मैंने पता किया कि पानी ज़्यादा तो वहाँ पे है नहीं, बट यार मैंने सोचा कि मैं आज आपको जाकर सही स्पॉट दिखा दूँ। तो मेरा प्लान ये था कि मैं पहले फिश पॉइंट जाता, वापस इसी रूट में आता और वापस फिर अंबिकापुर की तरफ निकलता, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि यार काफ़ी लेट हो गया है। 10:30 ऑलमोस्ट अभी यहीं पर हो चुका है और अभी मुझे अंबिकापुर जाना है। वहाँ जाके कोई ख़ास काम तो है नहीं, बट कुछ जो ज़रूरी काम है उन्हें आज दिन भर बैठ के कंप्लीट करने का है बस। और जैसे ही मैंने अभी बाइक चालू की, पता नहीं क्यों बाइक में इस जगह पर लो बैटरी का सिग्नल देना शुरू कर दिया बाइक ने, और वो देख के मैं थोड़ा डर गया क्योंकि मेरा ये लो बैटरी सिग्नल वाला एक्सपीरियंस एक बार हो चुका है और मैं वो दोबारा करना नहीं चाह रहा हूँ। तो मैंने प्लान किया कि यार ठीक है, जितना कवर हो गया हो गया, अब निकलते हैं अंबिकापुर की तरफ, क्योंकि TVS का शोरूम मुझे मिलेगा अंबिकापुर में ही। लेकिन हाँ, निराशा की बात नहीं है, एक से दो स्पॉट हैं जो मैं आपको ऑन द वे दिखाते हुए जाऊंगा। मैंने एक दो स्पॉट देखे थे कल, वो इसी रूट में आगे जाके है और इसी रूट में सीधा सीधा जाएंगे तो अंबिकापुर भी। तो मैंने सोचा कि यार कल थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे और आपको वो दोनों स्पॉट दिखाते हुए निकल जाएंगे। तो बस आपको हम वो स्पॉट्स दिखाएंगे और वहाँ से अंबिकापुर जाएंगे। तब तक बने रहिए इस वीडियो में। तो यार मेरे को लगता है ये पहली बार होगा जब मैं इतने सारे लगेज के साथ कोई स्पॉट कवर करने जा रहा हूँ, वरना यूजुअली ऐसा होता है कि यार मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कोई भी स्टे वगैरह जहाँ बुक्ड रहता है वहाँ पे सामान रख देता हूँ और सिर्फ ये टैंक बैग लेकर ही निकलता हूँ। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज थोड़ा प्लान में है चेंज। एक कारण है कि मैंने क्यों ये स्पॉट ऑन द वे कवर करने का सोचा रैदर देन यू नो गोइंग सेपरेटली टू शो दैट स्पॉट, क्योंकि यार वो जो स्पॉट्स हैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। मतलब इट इज़ लाइक आप जाएंगे, आप देखेंगे और आप वहाँ से चले जाएंगे। घाट प्रारंभ। रोड के दोनों साइड मोहब्बतें वाले पत्ते। व्यू है भाई, जस्ट लुक एट द कलर्स, क्या कलरफुल है यार। लगता है लोग मेरे को जाने ही नहीं देंगे इतने नज़ारे दिखा दिखा के। जस्ट लुक एट द हाइट, और हम काफ़ी नीचे आ गए हैं, उसके बाद ये हाइट है। क्या बात है, क्या बात है, फॉग कितना ज़्यादा है सीरियसली। हार्डली इतना दूर और वहाँ से ही फॉग इतना ज़्यादा है कि पीछे की चीज़ें ब्लर हो चुकी हैं। फोटो खींचता रहा तो मैन पार्ट था मुझे कभी जाने ही नहीं देगा। क्या व्यू आ रहा है यार इस पॉइंट से, सीरियसली देयर इज अ सेल्फी जोन। अच्छा तो ये है मैन पार्ट शिमला सेल्फी जोन। ये जो व्यू आप देख रहे हैं
उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे एक ऊपर उठा हुआ पॉइंट बनाया गया है, एंड दैट इज सेल्फी जोन। मतलब अगर आप चाहें तो वही फ़ोटो आप रोड पे भी ले सकते हैं, बट वही है कि यार रोड पे अगर लोग रुक रुक के फ़ोटो लेने लगेंगे तो वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा और थिंग्स थोड़े रिस्की, तो इसीलिए आई गेस वो सेल्फी जोन सेपरेटली बनाया हुआ है। मतलब आई गेस जितने भी यहाँ पे स्पॉट्स हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैन पार्ट घाट जाए बजरंगबली जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है, छत्तीसगढ़ के शिमला मैन पार्ट में आपका स्वागत है। अरे यार ये वाला बोर्ड में ज़्यादा अच्छे से फोटो आएगा ना यार, पता नहीं एक ही बोर्ड के साथ मैं कितनी बार फोटो खिंचाऊंगा, लेकिन जब तक हमारे पास ऑप्शन है हम फोटो खिंचाते रहेंगे, हम हार नहीं मानने वाले। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपने दिन के पहले स्पॉट में, बस यहाँ से 3 किलोमीटर और अंदर। तो अगर आप अंबिकापुर की तरफ से मैन पार्ट आ रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये विज़िट करते हुए चले जाएँ, क्योंकि अगर आपने ये प्लान किया है कि यार आप मैन पार्ट में स्टे करेंगे और वहाँ स्टे करके सारे स्पॉट कवर करेंगे तो आप भी थोड़ा दूर पड़ सकता है। यार यहाँ रोड से अंदर की तरफ एक टर्न जाता है, आपको दिखेगा ये बोर्ड दर्शनीय स्थल ठिनठिनी पत्थर। तो यार ये है वो स्पॉट जिसका नाम है ठिनठिनी पत्थर। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं वो अभी आप देखते ही समझ जाएंगे। ये है वो पत्थर जिसके नाम पे ये स्पॉट बना हुआ है। अब आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसे ठिनठिनी पत्थर क्यों कहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। अलग अलग स्पॉट पे मारने से जो आवाज है वो भी काफी अलग अलग आती है। तो दोस्तों ये था वो स्पॉट जिसका नाम है ठिनठिनी पत्थर। ये बेसिकली कोई टूरिस्ट स्पॉट तो नहीं है बट ये एक अट्रैक्शन पॉइंट है इस एरिया में। ऑब्वियसली रीज़न है वो स्टोन, वो जो पत्थर है वो अराउंड 200 क्विंटल का है, और जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना उसे जब हम अलग अलग जगह पे स्ट्राइक करते हैं तो उसे अलग अलग साउंड आते हैं। जो लोकल्स का कहना है वो ये है कि जितने भी स्टोन सामने पड़े हैं उनमें से ये एक स्टोन है जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, ऐसा लोकल्स कहते हैं। ये कोई बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको बस 10 से 15 मिनट काफ़ी है। अब हम चल रहे हैं अपने अगले स्पॉट की तरफ अंबिकापुर से पहले। अगेन वो स्पॉट जो है यार वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट उसमें भी ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको जाते जाते उसे दिखा दिया जाए। तो यार ये जो ठिनठिनी पत्थर स्पॉट है ये लोकेटेड है दरिमा एयरपोर्ट के पास, मतलब दरिमा एयर स्ट्रिप है यहाँ पर। आई डोंट नो इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट, बट हाँ एक दरिमा एयरपोर्ट करके आपको स्पॉट मिलेगा और उसके पीछे वाले एरिया में ही है ये ठिनठिनी पत्थर। तो अंबिकापुर जाते जाते रास्ते में आपको मिलेगा राइट साइड पे ये टर्न जहाँ पे आपको ये बोर्ड में दिख जाएगा लिखा हुआ। तो हम जहाँ जाने वाले हैं उस स्पॉट का नाम है घुनघुट्टा डैम। अगेन ये कोई बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट नहीं है बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन विजिट दिस वाइल कमिंग फ्रॉम अंबिकापुर टू मैन पार्ट, सिंपल। घुनघुट्टा परियोजना आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपको पहले डैम का ये वाला हिस्सा दिखा देते हैं। ओहो यार बरसात में जब यहाँ खूब सारा पानी होता होगा तब तो मज़ा ही आ जाता होगा। क्या बात है, क्या बात है।
यार आई गेस ये सीढ़ी जाती है ऊपर जहाँ से हम नदी को भी देख सकते हैं। घुनघुट्टा डैम जो है वो घुनघुट्टा रिवर पे ही बना हुआ है। आई गेस ये शायद सोन रिवर का ही हिस्सा है जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग। आई मे बी रॉन्ग। इतने सारे जैकेट और सामान के साथ चलने में मेहनत तो बहुत है भैया। ओहो शानदार। प्रवेश निषेध। तो जी ये है घुनघुट्टा रिवर और इस पे बना है ये डैम। तो लगता है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का इस प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। आप पूरा पैदल जाके देख सकते हैं। यार मैं तो उतना दूर जा नहीं सकता क्योंकि बाइक पे सामान रखा हुआ है। काफ़ी सुंदर यार, काफ़ी सुंदर है यार। ये सब देख के लग रहा है जैसे यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती होगी या होती है, पता नहीं। अब चलते हैं वापस अपने मंजिल की तरफ। चलिए बाइक पे बैठते हैं और यहाँ से फुर्र हो जाते हैं। तो जी ये था आप लोगों के लिए घुनघुट्टा डैम। अब हम बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ जो है हमारा होटल अंबिकापुर में। मैं कहाँ से आया था? आई गेस मैं यहाँ से आया था। अरे मेरी याददाश्त बड़ी ख़राब हो रही है। तो हम बस पहुँचने वाले हैं NH 43 में। यहाँ से अंबिकापुर अब ज़्यादा दूर नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि तो यार मेरा होटल ही रह गया है बस 8 किलोमीटर। तो यार मैं हो चुका हूँ नहा के एकदम फ्रेश। आज का जो हमारा डे था वो यहीं तक का था, मैन पार्ट से अंबिकापुर तक का, कवरिंग 2 स्पॉट्स इन बिटवीन। एंड सीरियसली दिस वन थिंग आई शुड एडमिट कि यार जितना प्राइस मैंने पे किया है उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इस होटल से। आइए आपको छोटा सा एक रूम टूर दे देता हूँ। तो ये है हमारा रूम, काफ़ी बड़ा, काफ़ी स्पेशियस। आज हमारे पास बेड है, कबर्ड है, टेबल है, एक और टेबल है, टीवी है, चेयर है, अच्छा सोफा भी है। आज अपन एकदम फैल के सोएंगे। तो चलिए इसी नोट पर इस व्लॉग को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे जब हम वापस रायगढ़ जा रहे होंगे। रायगढ़ जाने का इस बार का जो रूट है वो थोड़ा अलग रहने वाला है, क्योंकि यार लास्ट टाइम जिस रूट से मैं आया था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था एंड आई डोंट वॉन्ट टू शो यू दैट रूट अगेन। तो मैंने सोचा कि यार आपको कुछ नया दिखाते हैं, कुछ बेहतर दिखाते हैं। डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा बट उसको कवर करने का जो टाइम है वो एग्जैक्टली उतना ही लगने वाला है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। तो वो आपको कल देखने को मिलेगा। तो चलिए इस व्लॉग को एंड करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, राइड सेफ एंड फॉलो योर पैशन।